हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद उत्कल। तो लास्ट क्लास में हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे और स्टैटिक जीके में कंट्री कैपिटल करेंसी पढ़ रहे थे। तो कंट्री कैपिटल करेंसी का थोड़ा सा छूट गया था, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका जो है, हम दो कॉन्टिनेंट का पढ़ चुके थे। आपका पहले अफ्रीका अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट का सारा आपका कंट्री कैपिटल करेंसी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का आपका ऑस्ट्रेलिया, या फिर इसको ओशनिया भी बोलते हैं, ओशनिया, ठीक है। तो इसमें आपका पहले आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एक कंट्री इसके अंदर है। ऑस्ट्रेलिया अभी आईसीसी 2020 में, मतलब जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता ही, आपका याद रखेंगे आप, नेक्स्ट एग्जाम में आपको मतलब क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है आपका कैनबेरा, और आपका करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है फिजी। तो फिजी का क्या है कैपिटल? सुभा। करेंसी है फिजी डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है न्यूजीलैंड। लास्ट मैच जो था फाइनल, किसके किसके बीच में था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में था। तो न्यूजीलैंड जो है, इसका कैपिटल जो है वेलिंगटन है, वेलिंगटन है, और उसका जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। उसके बाद चलते हैं यूरोप को। ये तीन ज़्यादा आता है और कोई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है यूरोप का, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका देखते हैं। यूरोप का आपको याद रखना है अल्बानिया का कैपिटल है तिराना। अल्बानिया का कैपिटल है तिराना, और आपका करेंसी आपका है अल्बानियन लेक, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऑस्ट्रिया का होगा वियना। ऑस्ट्रिया का क्या होगा? वियना। वियना का करेंसी हो जाएगा यूरो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है बेल्जियम, ठीक है। पहले बेलारस याद रख लीजिए। बेलारस का क्या होगा? मिन्स्क। ये आपका कैपिटल है, करेंसी है बेलारूसियन रूबल, ठीक है। RUBLE है बेलारूसियन, हो गया। उसके बाद आपका होगा बेल्जियम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेल्जियम का हो जाएगा ब्रसेल्स, और आपका करेंसी हो जाएगा यूरो, हो गया।
उसके बाद याद रखिए बुल्गेरिया का, बुल्गेरिया बुल्गेरिया का हो जाएगा सोफिया, बुल्गेरिया हो जाएगा सोफिया, और उसका करेंसी हो जाएगा बुल्गेरियन लेव, ठीक है, बुल्गेरियन लेव, ठीक है। आगे हम कुछ दिन मतलब ऐसे चालू करके कुछ दिन के बाद हम पीडीएफ में पढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा जो हैंडराइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है, अभी मैं मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, मेरे वार्ड को थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और कुछ दिन के बाद मैं आपको पीडीएफ भी मतलब प्रोवाइड कराऊंगा और पीडीएफ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए बुल्गेरिया सोफिया ये हो गया, उसके बाद याद रखिए क्रोशिया, क्रोशिया उसका होगा जागरेव, JAGREB, सॉरी ZAGREB, ये थोड़ा ZAGREB, ठीक है, और उसका करेंसी है क्रोशियन कुना, ठीक है। उसके बाद आपका डेनमार्क, और आपका हो गया कोपेनहागन, करेंसी है डानिश क्रोन, ठीक है। उसके बाद आपका इस्टोनिया, इस्टोनिया है क्या मतलब कंट्री, कैपिटल है टालिन, करेंसी है यूरो, ठीक है। उसके बाद आपका फिनलैंड हो गया कंट्री, कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो। उसके बाद आपका कंट्री है फ्रांस, मतलब आपका जो कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। उसके बाद आपका कंट्री है जिब्राल्टर, कैपिटल भी है जिब्राल्टर, और उसका करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, कंट्री है ग्रीस, ग्रीस का बहुत क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीस एथेंस, उसके बाद यूरो। आपका जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स यहाँ पर हुआ था एथेंस, हम पढ़े थे। उसके बाद क्या याद रखना है, हंगारी, क्या याद रखना है, हंगारी, हंगारी का क्या हो जाएगा कैपिटल बुदापेस्ट, ठीक है, और आपका करेंसी हो जाएगा हंगारियन फोरिंट, उसके बाद याद रखिए आइसलैंड, आइसलैंड का हो जाएगा रिक, रिक जेविक, ठीक है, और जो करेंसी है वो होगा आइसलैंडिक क्रोना। आयरलैंड होगा कंट्री, और इसका कैपिटल होगा डबलिन, करेंसी होगा यूरो। उसके बाद होगा इटली, इटली का होगा रोम, करेंसी होगा यूरो।
उसके बाद याद रखेंगे लॉगजम बर्ग, कैपिटल है लॉगजम बर्ग, करेंसी है यूरो। उसके बाद याद रखिएगा मोनाको, MONACO। मोनाको, मोनाको का कैपिटल है मोनाको, करेंसी है यूरो। ठीक है, उसके बाद आपका कंट्री है नेदरलैंड, कैपिटल है एम्स्टरडम, एम्स्टरडम, करेंसी है यूरो। ठीक है, उसके बाद है नॉर्वे, कैपिटल जो पर वो आपका कंट्री है नॉर्वे, कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा पोलैंड का। ठीक है, पोलैंड का आपको खाली कैपिटल याद रखना है वार्सो, करेंसी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा पुर्तगाल का, पुर्तगाल का होगा लिस्बन, करेंसी है यूरो। हो गया, उसके बाद याद रखिएगा रशिया का, रशिया का होगा मॉस्को, कैपिटल, करेंसी है रशियन रूबल। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा सर्बिया का और करेंसी आपका कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियन डिनार। उसके बाद याद रखेंगे स्लोवाकिया, SLO, SLOVAKIA। ठीक है, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया का होगा ब्राटिस्लावा और करेंसी होगा यूरो। ठीक है, पेन इम्पोर्टेंट है, पेन में आपका जिंदगी मिलेगी ना दोबारा का शूटिंग हुआ था, आपको याद होगा बुल फाइटिंग दिखे होंगे, पेन मैड्रिड होगा उसका कैपिटल, करेंसी होगा यूरो। ठीक है, पेन हो गया, स्वीडन ये भी इम्पोर्टेंट है, कैपिटल है आपका स्टॉकहोम, स्वेडिश क्रोना। ठीक है, उसके बाद स्विट्जरलैंड इम्पोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का क्या होगा बॉर्न, BERN, और आपका करेंसी है स्विस फ्रांक। ठीक है, स्विस फ्रांक। उसके बाद याद रखेंगे यूक्रेन का, यूक्रेन, यूक्रेन का होगा
होगा कैपिटल और करेंसी होगा यूक्रेनियन ये या आप याद नहीं रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? खाली कैपिटल याद रखिएगा यूक्रेन का, कीव। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ये तो आपको मालूम होगा, लंदन होगा इसका कैपिटल। करेंसी होगा पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग भी बोलते हैं, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है? ये हो गया। और आपका एक लास्ट, वेटिकन सिटी, सबसे छोटा सिटी यही है, सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी, कैपिटल है वेटिकन सिटी, करेंसी है यूरो, ठीक है? ये आपका कंट्री कैपिटल का सब पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? आपका इस तरह से अभी छोटा छोटा क्लास चलेगा, और मेरा जो वीडियो है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये मैं बहुत सारा एग्ज़ाम दे चुका हूँ और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, कैपिटल करेंसी, ये सब इसी में से ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। और आप ये याद रखिएगा, जो करंट टॉपिक जो चल रहा होगा, करंट अफेयर में जो सब टॉपिक आपका चल रहा होगा, उसमें अगर कोई भी आपको कंट्री कैपिटल मिले या फिर कोई भी कंट्री रिलेटेड अगर कुछ न्यूज हो, तो उसका कैपिटल बिल्कुल याद रखिएगा, उसका कैपिटल और करेंसी बिल्कुल याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? और मैक्सिमम इन्हीं में से ही आता है क्वेश्चन। आप इसको 5-10 बार मतलब रीड कर दीजिए, तो आपका वो अपने आप, आपको जब ऑप्शन दिखेगा आपको याद आ जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखता हूँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।